पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम नगमा का भी था, जो सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में शुमार की जाती। नगमा पर कई लाजवाल गीत फिल्माए गए। नगमा का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिनकी पोस्टर पर तस्वीर फिल्म की कामयाबी की सनद हुआ करती थी, उनके नाम पर टिकट बिकती थी। नगमा के लाखों मद्दाह थे और कई रईस और उमरा उनसे शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। कई परवाने उनके गिर्द मंडलाते रहते थे, लेकिन नगमा का दिल जिस पर आया वो हबीब थे, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे। नगमा ने एक मिसाली घर के ख्वाब देखे थे, जिसमें वो अपने ख्वाबों के शहजादे के साथ बूढ़ा होना चाहती थी। नगमा का कैरियर तो बहुत मिसाली था, मगर उनकी जाती जिंदगी इतनी मिसाली ना हो सकी। नगमा ने अपने शौहर के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन नगमा को ऐसा गम मिला कि वो 2 सालों तक अपने कमरे से बाहर ना निकल सकी, और आज भी माजी को याद करके वो जख्म ताज़ा हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको नगमा की शादी और उससे मुतालिक अहम हकायक से आगाह करेंगे। अदाकारा नगमा अपने दौर की बेहतरीन हीरोइंस में से एक थी। उनके क्रेडिट पर सुपरहिट फिल्मों के साथ साथ लाजवाल गीत भी थे, जो आज भी सुनने से ताल्लुक रखते हैं। नगमा ने अपने करियर में मुतादिद अदाकारों के साथ काम किया, ताहम उनकी जोड़ी वक्त के सुपरस्टार हबीब के साथ जची। दोनों एक साथ मुतादिद फिल्मों में दिखाई दिए। इस दौरान हबीब और नगमा एक दूसरे की तरफ जादुई शख्सियत के बायस मकनातीस की तरह खींचे चले गए और शादी करने का इरादा कर लिया। हैरत अंगेज तौर पर नगमा को इस बात का इल्म था कि हबीब पहले से शादीशुदा है और उनके 2 बेटे और 4 बेटियां हैं, मगर जब इश्क सर चढ़कर बोलता है तो फिर कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता, और ये सब कुछ नगमा के साथ भी हुआ, जिन्होंने वफा का पास रखते हुए हबीब के साथ शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी। नगमा ने दूसरी अदाकाराओं की तरह शादी और करियर को साथ साथ चलाने की बजाय अपनी तमाम तर तवज्जो घरेलू जिंदगी पर मरकूज करने का फैसला किया। वो नहीं चाहती थी कि फिल्मों में काम करने की वजह से घर का माहौल किसी भी तरह से खराब हो और मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब हों। चुनाचे उन्होंने अपने करियर की कुर्बानी देते हुए फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया और सुपरहिट अदाकारा से हाउसवाइफ बन गयी। किसी साबित कमों में माहौल करता जिंदा सिर जोड़ के जोर ठीक कर। तू कहने से मान ला नहीं है, पर वेखी अगर ना मारे उन बजी है ना पांड चंगा चंगा बोरी अंगला ना बना पांड चुक तटूरदा। हबीब के साथ शादी करके नगमा को यूं महसूस हुआ जैसे उन्होंने पूरा जहां मुसख़र कर लिया हो, जिसके बायस उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने का भी किसी तौर दुख ना रहा। वो एक मशरकी खातून की तरह अपनी घरेलू जिम्मेदारियां अदा करने के लिए हमतन तैयार रहती। उनके नज़दीक उनके शौहर की खिदमत और अपनी घर से ज्यादा कुछ अजीज नहीं था। उनके शौहर उस वक्त के मकबूल तरीन अदाकारों में से थे, जिसकी वजह से उन्हें दिन भर शूटिंग में मसरूफ रहना पड़ता, लिहाजा जब भी वो घर आते तो नगमा उनके आराम का भरपूर ख्याल रखती। हर औरत का ये ख्वाब होता है कि उसकी गोद औलाद से भर जाए, ताकि वो माँ जैसा अजीम रुतबा हासिल कर सके। नगमा भी दिन रात इसी ख्वाब के साथ जागती थी। उनके ख्वाब को ताबीर 3 साल के तवील अरसे के बाद मिली। अल्लाह ने उन्हें फूल जैसी बेटी से नवाजा, जिसका नाम मियां बीवी ने मुशावरत के बाद सैदा रखा। नगमा बेटी की नेमत अता होने पर खुशी से फूले नहीं समाती थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी बेटी की बेहतरीन परवरिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शौहर की गैर मौजूदगी में नगमा के ऊपर सैदा की तमाम तर जिम्मेदारी होती। नगमा बीवी के साथ साथ माँ के फराइज भी बखूबी सर अंजाम दे रही थी। उन्होंने कभी भी जबान पर हरफे शिकायत आने नहीं दिया। वक्त गुजरता चला गया और नगमा अपने शौहर और बेटी के साथ खुशगवार वक्त गुजारने में मगन रही। पाजी गलती हो गई है, माफ कर दियो, चल कमो। ठहर जा कादरिया, मेरा ख्याल है डिया कि लग दे हाथ 2-4 गलतियां होर कर दे दिमाग सही हो जाएगा ना। कमो तू कहनी है तो मैं इनकार कर ही नहीं सकता। नगमा जो अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर खुशहाल और पुरमसरत ख्याल किए हुए थी, उन्हें नहीं मालूम था कि जिंदगी उनके साथ ऐसा खेल खेलने वाली है जिसमें न सिर्फ उन्हें मात होगी बल्कि उनसे सब कुछ छिन भी जाएगा। शादी के कमोबेश 5-6 साल बाद नगमा और हबीब में रोजमर्रा के झगड़े बढ़ने लगे, जो वक्त पर सुलझने की बजाय मजीद गहरे होते चले गए, और फिर ऐसा सिलसिला चल निकला जिसने रुकने का नाम नहीं लिया। हबीब जो फिल्मी स्क्रीन पर बड़े गुसील और रोबदार मालूम होते थे, उन्होंने हकीकी जिंदगी में भी इन्हीं खसूसियात को शामिल हाल रखा, जिसके बायस उनके मामलात डामाडोल होने लगे। नगमा ने इन तनाज़ात को बेहतरीन तरीके से हल करने की भरपूर कोशिश की, मगर हबीब तावन करने को तैयार न थे। जब ये सिलसिला एक खास हद से आगे बढ़ा तो हबीब ने नगमा के बारे में ऐसा फैसला किया जिसने उनके ख्वाबों के महल को चकना चूर कर दिया। नंबरदार
नगमा जिसने हबीब की खातिर अपने मिसाली करियर को कुर्बान किया, उनकी हर खुशी को अपनी खुशी पर मुकदम जाना, उन्हें अपनी तरजीह अव्वल बनाया। इस हबीब ने नगमा की तमाम काविशों को बेएतनाई से कदमों तले रोनते हुए उन्हें तलाक दे डाली। ये वो लम्हा था जब नगमा ने सोचा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका महबूब, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थी, वो उन्हें तलाक जैसा जख्म देकर उनकी जिंदगी से रुखसत कर रहा है। नगमा ने तलाक का परवाना थामकर हबीब की दहलीज को बोझिल कदमों के साथ पार किया। उनकी गोद में नन्ही बच्ची भी थी, जिसकी अब मुकम्मल जिम्मेदारी नगमा पर आन पड़ी थी। नगमा हबीब के साथ दीवानावार इश्क करती थी और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत उन्हें इतने दर्दनाक तरीके से जुदा करेगी। नगमा पर इस तलाक का इतना असर हुआ कि वो 2 सालों तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। वो तन्हाई में बैठकर ये सोचा करती कि आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलती की जिस पर इतनी बड़ी सजा मिली। हालांकि नगमा की तरह हबीब भी उनके साथ बेहद प्यार करते थे, मगर उन्होंने इफाए अहद की पासदारी नहीं की। नगमा की जिंदगी पर मुस्तकिल फुल स्टॉप लग चुका था, जो न अब उन्हें आगे बढ़ने दे रहा था और न पीछे मुड़ने दे रहा था। नगमा ने हबीब के साथ मोहब्बत भरे रिश्ते की लाश तलाक हो जाने के बाद भी रखी। यही वजह है कि उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। हालांकि तलाक के वक्त वो एक इंतहाई खूबसूरत खातून थी, जो अपनी कम उम्र बेटी की खातिर घर बसा सकती थी, मगर वो अपने पहले तजुर्बे से इस कदर खौफजदा हो गई थी कि उन्होंने दोबारा से ये रिस्क लेने का फैसला नहीं किया और अपनी जवानी बेटी की परवरिश में सर्फ कर दी। एक इंटरव्यू में नगमा बेगम से पूछा गया कि उन्हें हबीब ने क्यों तलाक दी, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरी सादगी की वजह से ऐसा हुआ। मैं पहचान ही नहीं सकी कि मेरी मोहब्बत इस कदर शदीद थी कि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी रह गई, जिससे मुझे कुछ नजर नहीं आया। नगमा इंतहाई सादा दिल खातून थी, जिनके लिए अपने शोहर और घर से अजीज कुछ न था, जिसकी खातिर उन्होंने बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं किया, मगर आखिर में दागे जुदाई उन्हीं के हिस्से में आया। नगमा ने तलाक के कुछ सालों बाद खुद को सहारा दिया और फिर से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। जब उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ा, तब वो सफ़े अव्वल की हीरोइन बन चुकी थी, लेकिन अब बहुत सी दीगर अदाकाराएं आ चुकी थी, लिहाजा उन्हें मुआविन किरदारों में जगह मिली। नगमा ने अपने घर का खर्च चलाने के लिए मुआविन किरदारों में काम शुरू किए और आज तक वो ऐसे ही किरदारों में काम कर रही है। नगमा ने अपनी बेटी को माँ के साथ साथ बाप का प्यार भी दिया, आला तालीम दिलवाई। आज उनकी बेटी शादी शुदा है और जिंदगी में सेटल्ड हो चुकी है। नगमा लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में रहती है, जहां उनका अपना घर है। नगमा को माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात नहीं है। उन्होंने घर का एक हिस्सा किराए पर दे रखा है, जहां से उन्हें इतना किराया आ जाता है कि वो जिंदगी का अच्छा गुजर बसर कर सकें। नगमा अभी भी फिल्म